उत्तर प्रदेश में विवेक हत्याकांड को लेकर योगी सरकार सवालों के घेरे में है। परिवार का गुस्सा सरकार पर फूट रहा है। इसी विरोध का सामना एक मंत्री को भी करना पड़ा। वहीं विपक्ष भी इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो इस गोलीकांड को धर्म की राजनीति से ही जोड़ दिया। उन्होंने पूछा कि विवेक तिवारी तो हिंदू था, फिर उसे क्यों मारा। विवेक तिवारी की हत्या पर पूरा परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। योगी सरकार ने परिवार को कार्रवाई का आश्वासन दिया है, साथ ही पत्नी को सरकारी नौकरी और 25 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। लेकिन पत्नी 1 करोड़ मुआवजे की मांग पर अड़ी है। इसी मांग को लेकर आज परिवार का गुस्सा मंत्री पर फूट पड़ा। मंत्री ब्रजेश पाठक जब पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो गुस्साए परिजनों ने नारेबाजी की, जिसे देख वो गाड़ी में बैठकर भाग निकले। वहीं योगी सरकार की इस खामोशी पर कांग्रेस, सपा के साथ साथ आपने भी सरकार पर हमला बोला। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया कि विवेक तिवारी तो हिंदू था, फिर उसे क्यों मारा। बीजेपी नेता पूरे देश में हिंदू लड़कियों का रेप करते घूमते हैं, वो हिंदुओं के हितैषी नहीं है। अगर सत्ता पाने के लिए इन्हें सभी हिंदुओं का कत्ल भी करना पड़े तो ये 2 मिनट नहीं सोचेंगे। सीएम केजरीवाल ने हत्याकांड को धर्म की राजनीति से जोड़कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। लेकिन वहीं आपके इस वार से बीजेपी बौखला उठी है। दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इसे केजरीवाल की ओछी सोच बताया। भले ही बीजेपी विपक्ष को दबा रही है, लेकिन गोलीकांड को लेकर यूपी पुलिस कटघरे में है। आपको बता दें कि लखनऊ के पोश इलाके गोमती नगर विस्तार में शुक्रवार देर रात पुलिस कांस्टेबल प्रशांत चौधरी ने एप्पल के सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी को गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले को लेकर सियासत जोरों पर है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।